सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोटिव चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई और टीवीएस जेपलिन, जिसका नाम होने वाला है टीवीएस रोनिन, वो भारत में लॉन्च होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नाम रजिस्टर्ड हो चुका है ट्रेडमार्क के लिए और अगस्त में एकदम कंफर्म लॉन्च होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं क्या कुछ खास हमें ऑटो एक्सपो में दिखाया गया। 2018 ऑटो एक्सपो में शो की गई थी और तब से काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ आपका जो डिजाइन है वो काफी यूनिक देखने को मिलता है। फ्रंट और बैक में दोनों में आपको LED लाइट्स देखने को मिलते हैं विथ यूनिक सिग्नेचर। साथ में आपको पेडलेटेड स्पोक अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS वगैरह फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। साथ में अगर इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है 220 cc का, जिसकी पावर 20 PS और 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। वेट 168 kg है और ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है। साथ में सीट हाइट 725 mm है। फ्रंट में आपको 17 इंच के टायर्स और बैक में 15 इंच के टायर्स मिलते हैं, क्योंकि ये क्रूजर बाइक है तो डिफरेंट टायर्स मिलते हैं। साथ में आपको यहाँ पे 44 kmpl की माइलेज देखने को मिलती है। वहीं 20 लीटर का काफी लंबा सा फ्यूल टैंक मिलता है और लोअर्ड सीटिंग पोजीशन देखने को मिलती है। साथ में आपको यहाँ पे जो टॉप स्पीड है 140 km/h की देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और साथ में यहाँ पे आपको फ्रंट में HD का कैमरा भी देखने को मिल जाता है फॉर ब्लॉगिंग पर्पज के लिए। तो बाकी इसकी जो टक्कर इंडिया में होने वाली है वो आपकी बजाज की एवेंजर से होने वाली है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो नियर अबाउट 1.10 लाख के आसपास इंडिया में लॉन्च हो सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो इसी साल के